नमस्कार नमस्कार मान्यवर, आज हम टीवी नंबर वन अमृतसर छावनी का नुक्कड़ नाटक दल स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे। भले भले श्यावा, भले भले श्यावा, मिलकर देंगे हम सभी संस्था को बढ़ावा। भले भले श्यावा, भले भले श्यावा, मिलकर देंगे हम सभी संस्था को बढ़ावा। विद्यालय प्रार्थना सभा दृश्य। सुप्रभात बच्चों, आज हमारे प्यारे बच्चे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता पे गीत प्रस्तुत करेंगे। सच में सच तुम सच हम, सच भारत दुनिया सच ब्रह्मा, संसारों में होगी स्वच्छता अपने, स्वाभाविक है गहराएंगे विद्वान प्रकार। उत्तम प्रस्तुति, जोरदार तालियां। आपको आपके शिक्षिका सूचित कर देंगे। विद्यालय सावधान, विश्राम स्थान। भले भले श्यावा, भले भले श्यावा, मिलकर देंगे हम सभी स्वच्छता को बढ़ावा। भले भले श्यावा, भले भले श्यावा, मिलकर देंगे हम सभी स्वच्छता को बढ़ावा। बाल बच्चों, बच्चों दो दिन बाद विद्यालय स्थापना दिवस है। इस अवसर पर जो भी बच्चा अपनी कक्षा को अच्छे से जाएगा उसको पुरस्कार मिले जाएगा। जो जीतेगा वही सिकंदर, जो हारा मुश्किल के अंदर। जो जीतेगा वही सिकंदर, जो हारा मुश्किल के अंदर। दो दिन बाद कक्षा का दृश्य। अरे भाई, मैं तो लेट हो गई। यहाँ तो सभी साज सज्जा कर चुके, अब मैं क्या करूँ? आइडिया, साथियों ने कमरा तो सजा दिया पर कक्षा भी कचरा बिखरा दिया। चलो मैं फर्श साफ कर देती हूँ। और माँ भी तो कहती है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। प्राचार्य महोदय आते हुए। प्रभात महोदय जी। सुप्रभात बच्चों, बच्चों कैसे हो? बहुत बढ़िया महोदय जी। बच्चों दिखाएं तो जरा आपने क्या बनाया है। महोदय जी मैंने वो पोस्टर बनाया है स्वच्छता पे। बहुत अच्छा। महोदय जी मैंने रंगोली बनाई है। बहुत अच्छी। महोदय जी मैंने वो फोटो डेकोरेट किया है। बहुत अच्छा। महोदय जी हम सब ने आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सजाया है आपने। बेटा आपने कुछ नहीं बनाया? नहीं महोदय जी, आज मैं लेट हो गई थी इसलिए मैं कुछ भी नहीं बना पाई, परंतु कक्षा में जो कचरा बिखरा था वही केवल साफ कर पाई। अरे वाह बेटा, तुमने भी तो सबसे अच्छा कार्य किया है। यह दिखाता है कि तुम्हारे स्वभाव तथा संस्कार में ही स्वच्छता है। सभी बच्चे कृतिका के लिए 10 तालियां मारेंगे। विद्यालय में छुट्टी होती है, बच्चे अपने घर की ओर जाते हैं। हे भगवान, ये आजकल के बच्चों को तो पता नहीं क्या हो गया। देखो कैसे सड़क पर कचरा फेंकते जा रहे हैं। अरे बेटा, तो सड़क पर कचरा फेंकते। अरे आंटी जी, आपको क्या पता, खा पी कर फेंकने में अपना ही मजा है। बेटा जी ट्यूशन में मम्मी की सजा है। होने दो, होता है जो रब की ही रजा है। यही तो स्वच्छता का पूरा एक निशान है। आंटी जी लगता नहीं इसमें कुछ गुनाह है। कहा बेटा ट्यूशन में मम्मी सजा है, अब तो इलाज करना रब की ही रजा है। आ गया समझ आंटी, मुझे सुधरना है, स्वभाव संस्कार में स्वच्छता से उतरना है। बस इसी सोच की जरूरत है बेटा, समाज में हर व्यक्ति को स्वभाव और संस्कार।
सरिता जी, आपने अपने कपड़े और बैग सब इधर उधर फेंक दिए, थोड़ी घर में सफाई रखा करो। अरे मम्मी अभी थकी हुई हूँ, थोड़ी देर बात कर दूंगी। एक घंटे बाद। बेटा जी आपने अभी तक अपने कपड़े और बैग नहीं उठाए। अरे बस बस अभी कर ही रही। दो घंटे बाद। हे भगवान, इस लड़की ने अभी तक अपना सामान नहीं उठाया। कोई बात नहीं, इसको कल विद्यालय जाते समय पाठ पढ़ाऊंगी। बच्चों सुबह का समय। माँ मेरी यूनिफॉर्म और बैग देना। बेटा जी मैंने आपको कल कहा था ना कि अपना बैग और कपड़े सही जगह रख दे, आपने रखे नहीं, मैं धोती कैसे? तो अब मैं क्या करूँ? आप कल वाले पहन जाओ, आज मैं आपको धो दूंगी। मैं नहीं जा रही। अब क्या करेगी टीना, कपड़ों से मैल हटीना। अब क्या करेगी टीना, कपड़ों से मैल हटीना। विद्यालय में अरे वाह टीना, लगता है फॉर्म लगाया है। बड़ी अच्छी भी होश देने वाली खुशबू आ रही है तुमसे। आकांक्षा ज्यादा मत बोल, ऐसे ही मेरा दिमाग आज बहुत खराब है। तुम दुखी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं मैम, बस अपने कर्मों के परिणाम भुगत रही हूँ। बेटा तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए, जैसे हर चीज सही जगह रखने से अच्छा लगता है। जैसा आप नहीं चाहती कि आपके आस स्वच्छता का कोई मजाक उड़ाए, उसी तरह आपकी माँ भी नहीं चाहती कि आपके घर को कोई गंदा रखे। इसीलिए स्वभाव तथा संस्कार में स्वच्छता अनिवार्य है। जब आप खुद को स्वच्छ रखेंगे तो ही देश स्वच्छ हो पाएगा। दिन का तिनका महकेगा और हर कण गुनगुनाएगा। स्वच्छ हम, स्वच्छ भारत।